कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है, इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने दो दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा कि ये मजबूरी का गठबंधन है। मैं उनको कोट करना चाहता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था अधीर दा ने, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह का जगरनॉट चलते हैं, सबको लगा है कि इस समय जो मोदी शाह के जगरनॉट चलते हैं, सबको एकजुट होना जरूरी है। ये मजबूरी है, पॉलिटिक्स में तो मजबूरी रहती है। आज ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेके आए हैं। सबसे पहले बात तो ये है कि देश की प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए मजबूर किए गए हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि जिस प्रधानमंत्री सदन में प्रवेश करते ही मंदिर समझकर अपने माथा टेका था, वो दृश्य आप सबको याद होंगे जरूर। उन्होंने ही कि मंदिर आने में एतराज करते रहे और हमें कोई इच्छा नहीं रहते हुए भी देश की गंभीर समस्या के बारे में सदन में बात रखने के लिए और चर्चा शुरुआत करने के लिए हमें बुलाने पड़े, और खासकर जब वो लीडर ऑफ द हाउस है, हाउस के नेता है। दो घंटे गुजर चुके हैं, सोचा कब बोलेंगे मणिपुर। बार बार सदन में हम लोग गुहार लगाते हैं, ये पीएम साहब मणिपुर के बारे में आप बोलोगे या नहीं, कम से कम तो ये बोलना चाहिए था कि हां बोलूंगा आप रुको, वो भी नहीं कहे। अगर किसी के घर पे आप जाए, आपको प्यास लगे, एक गिलास पानी मांगे, और पानी नहीं मिलता तो क्या करे, बाहर जाके तो पानी पीने जाने पड़ते, तो हम भी क्या करें। दो घंटे से बार बार ये मांग करते रहते हैं कि मणिपुर में आप बोलोगे, मणिपुर में बोलेंगे, मणिपुर में बोलिए, से सारे विपक्ष ने। और ये भी मैंने देखा कि सत्ता पक्ष की मंत्री कहिए, नेता कहिए, वो भी बैठे बैठे खस्ता होकर थके हुए छोटे मोटे नींद भी लेते रहे, मतलब नैप की तरह छोटे मोटे, गंभीर निद्रा नहीं बल्कि छोटे मोटे निद्रा भी लेते रहे। आप सारे विजुअल देख लो, पता चलेगा। लेकिन हमारी तरफ से सारे विपक्ष ने बड़ी उम्मीद लेकर बैठे थे, कुल मिलाकर हमें बाद में पता चले कि प्रधानमंत्री जी और एक रिकॉर्ड शायद तोड़ने वाला है कि हिंदुस्तान के कोई प्रधानमंत्री दो घंटे से ज्यादा सदन के अंदर भाषण तो नहीं दिए। पता नहीं, रिकॉर्ड करना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आते तो हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं। रिकॉर्ड के बारे में सदन के अंदर में भी हमें गिनाया क्या क्या रिकॉर्ड किया। लेकिन यह भी एक रिकॉर्ड हुई कि जिस मुद्दे को मेन फोकस करके सारे विपक्षों ने शुरू से गुहार लगाते
आ रहे थे, विपक्ष को वह मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ 3 मिनट की वक्त दिया, जब उनकी भाषा नहीं 2 घंटे मान लो 2.25 घंटे तक चली, और सारे विपक्षों की जो मेन मुद्दा थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 मिनट समय बिताई।